खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। आईसीयू में भर्ती महिला के साथ हैवान बने नर्सिंग कर्मी ने किया रेप। टैलगो चौराहे के पास हरीश हॉस्पिटल की है घटना। परिजनों की FIR के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। मां के समक्ष मरने की मंशा जताने के बाद टेलर ने फंदा लगाकर दी जान। कर्ज नहीं चुकाने से तंग था खैपुरा निवासी मृतक। अलवर के हृदय स्थल होप सर्कस का समाज कंटकों ने बिगाड़ा स्वास्थ्य। रोजाना करते हैं मदिरापान, वहीं ऐतिहासिक इमारत पर अधूरे हैं विकास कार्य। और अतिक्रमण की भेंट चढ़ी जैसमंद बांध से जुड़ी नहरें, उपेक्षा बरत रहा है सिंचाई विभाग। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर के एक निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती 23 साल की महिला मरीज से नर्सिंग कर्मी द्वारा हैवानियत की गई। महिला के परिजनों की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना मंगलवार तड़के टेलको चौराहे के पास स्थित हरीश हॉस्पिटल में सामने आई है। वासना किसी व्यक्ति को किस कदर अंधा कर सकती है, इसका उदाहरण अलवर में सामने आया है। यहाँ फेफड़ों में इन्फेक्शन का शिकार एक महिला तबीयत अच्छी होने की उम्मीद लिए निजी अस्पताल में भर्ती हुई, लेकिन नर्सिंग कर्मी ने उसे बलात्कार का शिकार बना डाला। घटना अलवर के टेलको चौक के समीप हरीश हॉस्पिटल की है। महिला को परिजनों ने सोमवार दोपहर अस्पताल में भर्ती करवाया था और यहाँ उसका आईसीयू में इलाज जारी था। शिवाजी पार्क थाना प्रभारी राजपाल सिंह के अनुसार बड़ौदा मेव क्षेत्र निवासी युवक ने मंगलवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि यहाँ भर्ती उसकी पत्नी से एक नर्सिंग कर्मी ने रेप किया है। इसके बाद सुबह पत्नी ने फोन कर बताया कि नर्सिंग कर्मी चिराग ने इंजेक्शन लगाकर उसके साथ बलात्कार किया। पति की रिपोर्ट पर बलात्कार एवं छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। साथ ही तिजारा फाटक के समीप रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल एक महिला अपने हरीश हॉस्पिटल है, इसमें एडमिट हुई थी, तो महिला ने आज हमें रिपोर्ट दी है कि जो हॉस्पिटल में ही एक नर्सिंग कर्मी है चिराग यादव, उसने रात को उसके साथ दुष्कर्म किया। तो जो हमने मुकदमा दर्ज किया है रेप और छेड़छाड़ की धाराओं में, और जो लड़का था आरोपी जिस पे आरोप था चिराग यादव तिजारा का रहने वाला है, उसको हमने गिरफ्तार किया है और प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई जारी है। उधर महिला मरीज ने बताया कि अल सुबह 3 बजे के आसपास उसे दवा और इंजेक्शन दिया गया, इसके बाद वह बेहोश होने लगी। इसी बीच महिला को पता लगा कि नर्सिंग कर्मी उसके साथ हरकत कर रहा है। उसे थोड़ा होश आया तब यह कर्मी महिला के साथ बलात्कार कर रहा था। जब उसने विरोध किया तो नर्सिंग कर्मी ने चुप रहने के लिए धमकाया। आरोप है कि इसी दौरान एक महिला नर्सिंग कर्मी भी यहाँ पहुंची और वह भी महिला को धमकाने लगी। बताया जाता है कि आईसीयू में करीब 10 से 12 मरीज थे। आरोपी चिराग ने सबके बेड के पास पर्दे लगा दिए। सबको रात को दवा दी गई और एक बुजुर्ग महिला को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, यानी पूरी भूमिका बनाकर रात को पीड़िता को नशे की दवा एवं इंजेक्शन देकर रेप किया गया। इसके बाद भी परिजनों को धमकाया जाता रहा। उधर हरीश हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर लवेश गुप्ता ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और उनका सहयोग किया जा रहा है। साथ ही आरोपी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। इंजेक्शन लगायो हाथ में, झट में बेहोश हो गई। फिर दोबारा होश आयो जब सिराज ने जब मेरे पति ने फोन करो भाई ने जब भी आयो जब मेरे मामा ने फोन करवा मामा जल्दी आज जितनी जल्दी कोई भी नहीं। जब वो छोटी लड़की आई है जब लड़की ने कही ज्यादा रोड़ मचाएगी तो इंजेक्शन लगा देंगे थप्पड़ देंगे, वो लड़की ने घबरा दी, मैं घबरा गई, मैं होपलेस हो गई। यहाँ ने भी करी और वो मैडम चिन्ह करी है
बाकी कोई स्टाफ आपको डरा रहा है क्या? ना, और ना तो आई है तो आई है। क्या नाम था उसका? नाम जानते हैं क्या? एक का नाम था हीरा। क्या नाम बताया? चिराग, चिराग ऐसे नाम है। यही का, यही का स्टाफ है। हाँ, चिराग, चिराग वाला नाम। थानेदार जी से हमें बात करी थी अभी, तो थानेदार जी बोल रहा है कि अब जो हो गया वो तो हो गया, बलात्कार हमने रिपोर्ट दर्ज कर ली तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं कि सर जो दूसरी नर्स है उसको आपने अरेस्ट नहीं किया अभी तक, क्या हो रहा है? तो वो बोल रहा है कि हम कर रहे हैं उसको, दूसरा बंदा आंख दिखा रहा है हमें अपनी, औकात पर है। थानेदार जी खुद कह रहा है कि इसमें दोबारा बलात्कार, अभी तो बलात्कार हुआ, मान लो मार देगा तब क्या करोगे तुम? सर हमें न्याय चाहिए, हम जब तक उसमें से नहीं निकालेंगे। ये बोल रहा है दोबारा बलात्कार हो जाएगा, मर्डर कर देगा, सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ इसको। हम क्यों ले जाए इसको? हमारे साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, हम दूसरे हॉस्पिटल में कहाँ ले जाए? आज ये मर गई तो इसका जिम्मेदारी इसका बच्चों को कौन पालेगा? यहाँ पे कोई मंत्री का बेटा है, इसका दबाव पड़ रहा है हमें, मंत्री का बेटा कोई, ये हमें ऐसा पता नहीं है। अभी ऐसे अभी सुनाई में आ रहा है कि ऐसा कोई मंत्री या प्रधान का बेटा है। अलवर के अखेपुरा मोहल्ला निवासी एक टेलर ने कर्ज से परेशान होकर फंदा लगाकर जान दे दी। जानकारी के अनुसार मृतक 33 वर्षीय सुरेश वर्मा ने 2 साल पहले अपनी शादी के दौरान कुछ कर्ज लिया था जिसे वह चुका नहीं पाया। इसी दौरान वह शराब और सट्टेबाजी का आदी हो गया। कुछ कर्ज छोटे भाई बंटी ने चुका दिया था, लेकिन अब भी करीब 1 लाख का कर्ज बचा हुआ था। उधर सुरेश की पत्नी भी नाराज होकर मायके गई हुई थी। गत रात्रि उसने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। उससे ठीक पहले वह अपनी पत्नी से बात कर रहा था। फांसी लगाने के आधे घंटे पहले रात करीब 10:30 बजे मृतक सुरेश अपनी माँ से कहकर गया था कि वह मरने जा रहा है। हालांकि यह बात वह अक्सर कहा करता था। वहीं कुछ समय बाद तक ऊपर वाले कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो मृतक के दोनों भाई बंटी और मनीष ऊपर पहुंचे। यहाँ दरवाजा बंद था, जब उन्होंने दरवाजे को तोड़ा तो सुरेश पंखे पर लटका हुआ था। बजे तो कारण तो ये इसकी शादी का कर्जा था जो उसे नहीं दिया जा रहा, और तब क्या आधा कर्जा तो मैंने चुका दिया। मैंने उसे ये भी बोला था कि तू चिंता मत कर, कर्जा मैं चुका दूंगा, लेकिन तू लड़ाई झगड़ा मत करा कर। लेकिन वो तो दारू पीता है, झगड़ा करता है। बीवी उसकी पिहर गई हुई है, वो भी कह रही मैं होली के बाद आऊंगी। नाराज होकर गई थी? नहीं नहीं, वो राजीपुर से गई थी कि मैं संक्रांत पे जा रही हूँ। फिर उसके घर वाले ने बोला होली के बाद आएगी। कितना कर्जा था? हो गया 1.5 लाख खर्चा। अभी हाल में कितना कर्जा बचा हुआ है? शायद 1 लाख तो है। लड़ाई झगड़ा किसके साथ? लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। जब लड़ाई झगड़ा होता तो हम क्या मरने देते थे उसको? वो तो कमरे में था, पता नहीं क्या बात थी क्या नहीं थी। हम ऊपर जाके देखे, थोड़ी देर बाद आवाज नहीं आ रही, हमने जाके देखा तो फांसी पे लटका हुआ। क्या कार्य करता था ये? सिलाई का काम करता था। क्या नाम था? सुरेश चंद्र वर्मा। कितनी उम्र थी? होगी इसकी 32 साल। अलवर शहर के बीचों बीच स्थित हृदय स्थल होप सर्कस पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इस इमारत के ऊपरी हिस्से में स्थित मंदिर के महंत राजेंद्र शर्मा ने बताया कि नगर निगम की ओर से होप सर्कस पर कराए गए कार्य अभी भी अधूरे पड़े हैं। 50 लाख रुपए का बजट इसके लिए मंजूर हुआ था, लेकिन अभी सिर्फ रंग रोगन ही किया गया है, जबकि मंदिर में सौंदर्यकरण एवं कई अन्य कार्य अधूरे हैं। इसके अलावा इमारत में चारों ओर अनुपयोगी पेड़ पौधे उग रहे हैं। दूसरी ओर दिन भर बैठे रहने वाले समाज कंटक शराब का सेवन करते हैं, साथ ही आवारा श्वान यहाँ गंदगी फैलाते हैं। इसके बावजूद सफाई कर्मचारी हफ्ते में केवल 1 बार सफाई करते हैं। गौरतलब है कि इस प्रमुख स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो इसकी उपेक्षा जारी है। प्रसाद नगर परिषद से 50 लाख का बजट भी आया था, इसमें सिर्फ कलर कलर हुआ है, बाकी ये हेरिटेज वार्ड बना देते, सौंदर्यकरण होता तो वो कुछ भी काम नहीं है सर। यहाँ कोई सफाई की भी व्यवस्था ऐसी रहती है, बस आते 5 दिन में फॉर्मेलिटी कर जाते। पेड़ पौधे उगे पड़े जीगे, ये देखो बरगद का पेड़ उग रहा है, नीचे पेड़ उग रहे, कुत्ते वगैरह लैट्रिन वगैरह करते हैं, पूरे कोई व्यवस्था नहीं है। असामाजिक तत्व भी बैठे रहते हैं, मतलब वो प्रशासन थोड़ा सा वो कोई देखभाल नहीं है इससे। और एक अलवर के हाट है, हाट अलवर के हृदय स्थल है ये होप सर्कल। अब आप क्या चाहते हैं यहाँ पे कि साफ सफाई होनी चाहिए? साफ सफाई होनी चाहिए, प्रशासन से यही हमारा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा नगर निगम से थोड़ा साफ सफाई हो, थोड़ा सा इसका देखभाल हो, थोड़ा इसका जो बजट 50 लाख का है वो लैप्स हो गया, उसको दोबारा इसका लगाया जाए, इसको बढ़ाया जाए, थोड़ा अच्छा सौंदर्यकरण, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट बढ़ेगा थोड़ा टूरिस्ट डिपार्टमेंट। अलवर शहर के समीप स्थित जैसमंद बांध से रियासत काल में हजारों बीघा भूमि की सिंचाई होती थी। इसके जरिए किसान खेती कर आत्मनिर्भर बन रहे थे, लेकिन
पिछले दशकों में सिंचाई के लिए बनाई गई पक्की और कच्ची नहरें अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई। सिंचाई विभाग की ओर से इसकी देखरेख और निरीक्षण के अभाव में जयसमंद बांध से निकलने वाली इन नहरों पर अतिक्रमण होता चला गया। वहीं कई जगह बहाव क्षेत्र को बाधित कर दिया गया है। कई स्थानों पर तो नहर के दोनों कोनों पर मकान तक बना लिए गए। इसमें रूपबास और भूगोर से लेकर मदनपुरी, सालपुरी, गुजुकी, भजीट, बलाना, केसरपुर, दादर और महुआ आदि शामिल हैं। वहीं मालाखेड़ा के उपखंड अधिकारी देवी सिंह का कहना है कि नहर की देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की बनती है। कुल मिलाकर नहर की मौजूदा स्थिति संबंधित विभागों की लापरवाही की ओर इशारा कर रही है। अलवर के नेहरू गार्डन में श्री परशुराम कला मंदिर समिति द्वारा स्थापित शहीद चंद्रशेखर आजाद प्रतिमा का द्वितीय स्थापना दिवस मनाया गया। चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मंगलवार को यहां समिति द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर समिति से जुड़े पदाधिकारियों, प्रमुख रंगकर्मी, साहित्यकार, जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध जनों द्वारा पुष्प अर्पित किए गए, साथ ही दीप प्रज्वलन हुआ। वहीं गोष्ठी के जरिए उनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही वरिष्ठ कवि योगेश पाठक ने शहीद चंद्रशेखर आजाद पर आधारित रचनाएं सुनाई। समिति पदाधिकारी मोहित पंडित ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व आज के ही दिन अष्ट धातु से निर्मित राजस्थान की सबसे बड़ी इस प्रतिमा को स्थापित किया गया था। वहीं इस अवसर पर प्रतिमा निर्माण के प्रणेता रहे शिक्षाविद रामावतार पंडित को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। 27 फरवरी को आजाद जी की पुण्यतिथि भी थी, तो दोनों आयोजन एक तरह से प्रतिमा का स्थापना दिवस, साथ ही आजाद जी की पुण्यतिथि आज श्री परशुराम कला मंदिर समिति के द्वारा आज मनाई जा रही है। बड़ी बात यह है इस प्रतिमा की कि राजस्थान में अष्ट धातु से निर्मित शहीद चंद्रशेखर आजाद की यह सबसे बड़ी प्रतिमा है। ये सौभाग्य अलवर को मिला है कि यह प्रतिमा अलवर में स्थापित हुई है। आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी गोपीचंद शर्मा, हरिशंकर गोयल वरिष्ठ एडवोकेट हैं, साथ ही समिति के तमाम जितने भी साहित्यकार हैं, रंगकर्मी हैं, वो सब इस आयोजन से जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम किया गया आज शहीद चंद्रशेखर आजाद जी को, क्योंकि उनकी पुण्यतिथि भी है, उस पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि कर रहे हैं, साथ ही प्रतिमा का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत धौलागढ़ मार्ग पर एक बाइक सवार यहां खड़े हुए ट्रक से टकरा गया। गंभीर रूप से घायल अलवर के कालाकुआ निवासी नरेश को जिला अस्पताल लाया गया। घायल के परिजन योगेश ने बताया कि नरेश अलवर से अपने गांव टिटपुरी जा रहा था, इसी दौरान उसे खड़े हुए ट्रक में टक्कर मार दी। इसके बाद उसे लक्ष्मणगढ़ अस्पताल से अलवर रेफर कर दिया गया। 6 बजे के समथिंग लक्ष्मणगढ़ से टिटपुरी जा रहे थे, तो ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक ने टक्कर मार दी इनको? हाँ, वो खड़ा हुआ था तो ये ना स्पीड से थे, तो देखा नहीं था कुछ भी उस रोड पे। तो शाम को 6 बजे के समथिंग एक्सीडेंट हुआ इनका। खंडेलवाल सेवा संगठन संस्थान का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार शाम नया बस चौराहे के समीप स्थित बंधन रिजॉर्ट में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अध्यक्ष रमेश तुनावाला द्वारा कार्यकारिणी के अध्यक्ष राकेश सेठी सहित अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान खंडेलवाल समाज से जुड़े प्रमुख लोग उपस्थित रहे। संगठन के महासचिव अजय मोदी ने बताया कि अध्यक्ष राकेश सेठी द्वारा संस्थान एवं खंडेलवाल समाज को आगे ले जाने के लिए कार्य का संकल्प जताया गया। वही मुख्य अतिथि ने सभी का उत्साहवर्धन किया। खंडेलवाल समाज का जो समाज सेवा अग्रणी संगठन है, खंडेलवाल सेवा संगठन संस्थान, उनके अध्यक्ष, सचिव और कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और इस समारोह में हमारे समाज के अखिल भारतीय समाज के जो अध्यक्ष हैं श्री रमेश जी तुंगा वाले और उनके साथी लोग पधारे, और अलवर खंडेलवाल समाज के काफ़ी गणमान्य लोग यहाँ आए और उन्होंने काफ़ी उत्साहवर्धन किया। और हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी समाज के लिए कुछ सृजनात्मक रचनात्मक कार्य करने के लिए अपना दृढ़ निश्चय किया उन्होंने। 3 मार्च को इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव रामफल सैनी ने बताया कि इसमें विभिन्न वर्गों के करीब 200 प्रतियोगी शामिल होंगे। इस दौरान 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला एवं गोला फेंक आदि स्पर्धाएं करवाई जाएंगी। वहीं चयनित खिलाड़ी 10 मार्च को गंगानगर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर का प्रतिनिधित्व करेंगे। गंगानगर में 10 मार्च को राजस्थान स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिस प्रतियोगिता में अलवर जिले की टीम के चयन हेतु 3 मार्च को इंदिरा गांधी स्टेडियम में अलवर जिले की एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कौन कौन सी इस प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग मैन वुमेन
और अंडर 20 बॉय गर्ल्स और अंडर 18 बॉय एंड गर्ल्स भाग लेंगे। इसमें 400 मीटर रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, शॉर्ट पुट, डिस्कस, जेवलिन और हैम्बर थ्रो और 4x100 मीटर रिले एंड 4x400 मीटर रिले बॉयज एंड गर्ल्स एंड सीनियर सभी की रिले होगी। करीब कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? करीब 200 खिलाड़ी के भाग लेने की संभावना है। जो अलवर जिले का जो चयनित होंगे वो अलवर जिले से अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। विप्र फाउंडेशन ने पृथ्वी पर बढ़ता जल संकट और उपाय विषय पर जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की। इसका आयोजन खैरदल के स्टार पब्लिक स्कूल और टपुकड़ा के राजकीय सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में किया गया। दोनों ही केंद्रों पर कुल 88 बच्चों ने परीक्षा दी। जिला संरक्षक और परीक्षा के मुख्य संयोजक विष्णुदत्त स्वामी ने यह जानकारी दी। उधर विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष भूदेव शर्मा और परीक्षा के जिला प्रभारी उमेश कांत वशिष्ठ के अनुसार जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं इस आयोजन में भिवाड़ी मंडल अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, विजय कुमार शर्मा, राजेश्वर वत्स, राजेंद्र शर्मा, राम अवतार कौशिक, चंदन कमती, उमेश कांत वशिष्ठ, प्रिंसिपल तन्मय दास और कृष्ण कुमार जाटव आदि का सहयोग रहा। एक बच्चों से एक निबंध लिखवाया जा रहा है जिसमें बच्चे में जागरूकता पैदा हो, आम समाज तक मैसेज जाए। इसका विषय है पृथ्वी पर बढ़ता हुआ जल संकट और उपाय। तो हर बच्चे में, बच्चों के थ्रू समाज में पूरी जानकारी देना कि हम जो पानी का अपव्यय होता है हमें उसे किस तरीके से बचा सकते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो इसमें कुल कितने बच्चे भाग ले रहे हैं? अभी ब्लॉक लेवल पे जो हमारे पंचायत समिति लेवल पे हमने 4 ब्लॉक बनाए थे उसमें 1200 बच्चे बैठे थे। 1200 में से 100 बच्चे सेलेक्ट होके आए हैं चारों ब्लॉकों में से, जिसमें से 100 बच्चों में से 88 बच्चे जिला स्तरीय परीक्षा में भी जो बैठे हैं और ये जो इनमें से जो पास होंगे इसमें एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा जिनमें इन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस परीक्षा में 1120 बच्चों ने, प्रथम जो टेस्ट हुआ था उसमें 1120 बच्चों ने परीक्षा दी थी, उनमें से 100 बच्चों की मेरिट बनी थी। इस परीक्षा में 100 बच्चे बैठे हैं, अब उनकी जो मेरिट बनेगी, इनमें 100 जो बच्चे बैठे हैं उनको सबों को ही कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा और जो 10 बच्चे जो निकल के आएंगे उनको बड़ा इनाम दिया जाएगा। और मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ये जो प्रतियोगिता हुई उसमें आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। अलवर में भूरा सिद्ध के पास चेतन एनक्लेव के सामने स्थित स्पीड ब्रेकर जानलेवा साबित हो रहे हैं। जयपुर मार्ग पर बनाए गए स्पीड ब्रेकर खासे ऊंचे हैं। यहां सोमवार शाम एक बाइक सवार घायल भी हो गया था, वहीं सूचना देने के आधा घंटा बाद तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची। इसी दौरान यहां से गुजरा पुलिस वाहन भी नहीं रुका। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार स्पीड ब्रेकर खासे ऊंचे हैं और वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर शहर के कुछ इलाकों में खुदी हुई सड़क के चलते आवाजाही मुश्किल हो गई है। ऐसा ही मामला वार्ड 54 का है। इसे लेकर क्षेत्रीय पार्षद रामोतार शर्मा ने नगर निगम के एक्सीएन को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि वार्ड 54 में अप्रैल 2023 में करीब 1 करोड़ रुपए के कार्य आरंभ हुए थे। इसके तहत यहाँ सड़कें बनाई जानी है लेकिन ठेकेदार ने महीनों तक इन सड़कों को खोदे जाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। इससे हालत और ज्यादा बदतर हो गई है। इसकी शिकायत जब पार्षद ने आयुक्त को की तो उन्होंने ठेकेदार को डीबार करते हुए कार्रवाई भी की। इसके अलावा काम पूरा करने के लिए ई टेंडर किए गए लेकिन कार्यों के आदेश आज तक जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में पार्षद ने लोकसभा की आचार संहिता लगने से पहले ही कार्य करवाने की मांग की है। हमारे वार्ड नंबर 54 में अप्रैल 2023 में करीब 1 करोड़ रुपए के 2 कार्य लगाए थे, जिसमें जो वार्ड की क्षतिग्रस्त सड़कें हैं या फिर जो सड़क कभी भी नहीं बनी उनको बनाने के लिए टेंडर लगे थे और उनके कार्यादेश भी जारी कर दिए गए। एक ठेकेदार द्वारा वो कार्य लिए गए थे परंतु 6-7 महीने तक उस ठेकेदार ने उन सड़कों पर उनको खोदे जाने के अलावा कोई काम नहीं किया। उन सड़कों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। उसके संदर्भ में मैंने कई बार नगर निगम आयुक्त महोदय को शिकायत की और उन्होंने विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए उस ठेकेदार को डिबार करके और उन कार्यों के ई टेंडर किए हैं जो कि 12 तारीख को किए गए थे, 12 अभी फरवरी को, और 21 तारीख को वो टेंडर खुल चुके हैं परंतु उन टेंडरों के कार्यादेश आज दिनांक तक जारी नहीं किए गए हैं। इस संदर्भ में मैंने आज नगर निगम महापौर श्री घनश्याम गुर्जर जी से भी
दूरभाष पर वार्ता की है और मैं जो हमारे नए एक्शन महोदय आए हैं उनसे भी इस विषय में मिला हूँ लिखित पत्र के साथ में कि हमारे वार्ड के जो काम जो सड़कें खुदी पड़ी हैं कई महीनों से उनको नए ठेकेदार द्वारा वो जल्दी से जल्दी चालू किया जाए जिससे कि आमजन को राहत मिल सके, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद में आदर्श आचार संहिता लोकसभा चुनाव की लगने वाली है, उससे पहले अगर ये कार्य प्रारंभ हो जाते हैं तो आमजन को राहत मिलेगी, अन्यथा ये आचार संहिता में फिर 2 या 3 महीने के लिए फिर फंस जाएंगे काम। इसी संदर्भ में आज मैंने एक्शन साहब को एक लिखित शिकायत पत्र दिया है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स बजाजा बाजार अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 01442338653 and 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभु दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सरसों की फसल इन दिनों खेतों में पकी खड़ी है, हालांकि पिछले दिनों सर्दी एवं बर्फ जमने से फसल को नुकसान भी हुआ है। इसके अलावा बारिश होने और बूंदाबांदी से भी सरसों की फसल और उत्पादन पर विपरीत असर की आशंका है, ऐसे में किसान चिंतित हैं। गौरतलब है कि भूजल स्तर गिरने से मालाखेड़ा क्षेत्र में इस बार सरसों की बुआई का रकबा जौ, गेहूं और चने के कुल रकबे से भी ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि सरसों को कम पानी की जरूरत होती है। उधर बादल छाने की वजह से पूरी सरसों की फसल की एक साथ कटाई करवाने को किसान मजबूर हैं, साथ ही मजदूरी की रेट भी बढ़ रही है। क्षेत्र के परसाकाबाज गांव में थ्रेसर से पूरी फसल को निकलवाने के लिए किसान जुटे नजर आए। क्षेत्र के काश्तकार गुड्डू राम, अजय कुमार, गणपत सिंह, ईश्वरी सिंह, कमल सिंह और धर्मी चौधरी ने इस बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि बारिश और ओलावृष्टि की आशंका के चलते सरसों की फसल को तुरंत कटाई करवाकर घर ले जाने का प्रयास है। इस बार मजदूरी भी ज्यादा देनी पड़ रही है। उधर सहायक कृषि अधिकारी पवन सिंह शेखावत, शिवजी राम मीणा और जितेंद्र कुमार के अनुसार राजस्व विभाग सरसों फसल की गिरदावरी करने में लगा है। पिछले दिनों तेज सर्दी एवं बर्फ से सरसों की फसल में नुकसान का अंदेशा है, साथ ही अब बारिश होती है तो नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान में रेल विकास की गति को नई पहचान मिलने जा रही है, साथ ही इससे रेल यात्रियों को अनेक सुविधाएं भी मिलेंगी। गौरतलब है कि राजगढ़ भी उन स्टेशनों में शामिल है जहां पुनर्विकास के कार्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के जरिए किया है। कुल 12,99,00,000 की लागत से होने वाले कार्यों के चलते राजगढ़ को आदर्श स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश के 21 रेलवे स्टेशनों पर कार्यों का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को किया था। इसके अलावा कई जगह रोड ओवरब्रिज और अंडरपास रोड आदि का निर्माण भी होगा। राजगढ़ में इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भडाना, जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, भाजपा प्रत्याशी रहे बन्नाराम मीणा, नगर पालिका चेयरमैन सतीश दुहारिया और ब्रजेश शर्मा सहित रेलवे के चीफ इंजीनियर पवन यादव आदि मौजूद रहे। वह इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। एफओबी रैंप के साथ सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, नया वेटिंग होम, कोच इंडिकेटर बोर्ड, प्लेटफॉर्म सेंटर का कार्य और सीसीटीवी सहित अनेक सुविधाएं सम्मिलित हैं। संक्षेप में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में राजगढ़ स्टेशन एक नए रूप में आप लोगों को दिखाई देगा। धन्यवाद। राजगढ़ के गोल सर्किल स्थित श्री हनुमान मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। यहाँ चित्रकूट धाम से आए स्वामी कवनदास बापू ने बालकांड की कथा सुनाते हुए कहा कि भगवान राम को पाने के लिए पहले बालक जैसा बनना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य शरीर में आने के बाद गफलत में पड़ने के बजाय ध्येय परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भाव के कारण रावण असुर कहलाता है और विभीषण भाव के कारण ही भक्त हो गया। उधर इस दौरान कांकवाड़ी हनुमान सिद्धपीठ मंदिर के महंत उदयभान शर्मा सहित कैलाश अग्रवाल, कृष्णा अग्रवाल, बाबूलाल गुप्ता और गुड्डी देवी गुप्ता आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। और अब बात मालाखेड़ा की, जहां उपखंड के ग्राम पृथ्वीपुरा स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की छात्रा पायल बैरवा का इंस्पायर्ड अवार्ड में चयन हुआ है। इस उपलब्धि पर उनका सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य गिरवेश बागड़िया ने बताया कि प्रौद्योगिकी विभाग ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट बनवाए थे। इसमें राज्य स्तर पर 9वीं कक्षा की छात्रा पायल बैरवा का चयन किया गया है। इस छात्रा ने दिव्यांगों के लिए विशेष वैशाखी का प्रोजेक्ट बनाया था। उधर प्रोजेक्ट प्रेरक प्रभारी अजय राजावत एवं कवर सिंह के अनुसार चयनित छात्रा पायल को प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। हमारे विद्यालय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रतिपुरा से पायल बैरवा का स्पायर अवार्ड में चयन हुआ है। इस अवार्ड में पायल बैरवा को राज्य सरकार की तरफ से 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए राज्य सरकार की योजना है, इनमें प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं और आगे भेजे जाते हैं। पायल बैरवा ने क्रचेज ऑब्जर्वर शॉकिंग नाम से एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। इसमें अपाई जो दिव्यांगों के लिए जो चलते समय झटके महसूस होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मालाखेड़ा बालिका स्कूल में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि SDM देवी सिंह ने बालिकाओं का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि एक बेटी पढ़ गई तो 7 पीढ़ी तर गई। उधर कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान अंशु शर्मा ने की। इस मौके पर प्रतिभावान छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर उत्साह बढ़ाया गया, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ खुर्द में मेट्सो प्लान इंडिया संगठन ने खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। वहीं कबड्डी, कुश्ती, रस्साकशी, ऊंची कूद और लंबी कूद आदि स्पर्धाओं का आयोजन हुआ। शारीरिक शिक्षक बाबूलाल मीना ने इसकी मॉनिटरिंग की, साथ ही प्लान इंडिया की तरफ से आए कोच भी मौजूद रहे। वहीं विद्यालय प्रभारी रामकेश मीणा ने आभार जताया। यहाँ अनीता शर्मा सहित अन्य प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही, जबकि कार्यक्रम का संचालन गतिविधि प्रभारी सुरेश कुमार ने किया। स्कूलों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल शिक्षा और स्वच्छता पे जो ये कार्यक्रम हम करते हैं, मॉडल स्कूल्स के रूप में प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें हम फर्नीचर, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास रूम, कैन, लाइब्रेरी, स्पोर्ट मटेरियल, स्कॉलरशिप, बच्चों का कुछ कुछ मदद का काम हमारा स्कूल्स में रहता है जो हम हर साल करते हैं। जैसे हम 2013-14 से हमने काम स्टार्ट किया हुआ है सर, और एक हम वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हमने जो आयोजन की है आज यहाँ पर, उसमें हमने कबड्डी, कुश्ती, लॉन्ग जंप, हाई जंप और रस्सा कस्सी जैसे प्रोग्राम आज महुआ खुर्द स्कूल में रखे हैं। इस वर्ष भी हमने यहाँ पर कंप्यूटर लैब एक 10 सेट है जिसमें दिया हुआ है स्कूल को, और जिसमें बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, जिसको बेसिक कंप्यूटर टीचर दे रखा है, बेसिक बच्चा सीख रहे हैं उसमें कंप्यूटर। आपके क्या नाम है, क्या पोस्ट है? मेरा नाम अनीता शर्मा है और मेरा फील्ड सुपरवाइजर पोस्ट है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग मंगलवार को उमरैंड में हुई। पंचायत समिति सभागार में सुपरवाइजर मधु शर्मा के मार्गदर्शन में पोषण ट्रैकर ऐप के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। इस ऐप के माध्यम से पोषाहार की रिपोर्ट, रोजाना आंगनबाड़ी केंद्र खुलने पर उपस्थिति और अन्य बिंदुओं की जानकारी दी जाएगी। उमरैंड कार्यालय के अंदर प्रशिक्षण दिया गया है उनको, ECC तथा पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में बताया गया है कि पोषण ट्रैकर ऐप के अंदर प्रतिदिन आपको कार्य करना है, लाभार्थियों के आधार वेरीफाई करनी है, कार्यकर्ता सहायिका की प्रोफाइल भरनी है आपको, तथा प्रतिदिन आपको पोषण ट्रैकर के अंदर केंद्र खुलने का समय, उपस्थिति खुद की तथा बच्चों की, गर्म खाना, नाश्ता, सभी चीज़ उसके अंदर भरी जाएगी। सरकार की पेंशन योजनाओं के तहत सत्यापन नहीं करने के बाद लाभार्थियों की पेंशन रुक जाती है और उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अकबरपुर ग्राम पंचायत में भी कुछ ऐसा ही सामने आया है। गौरतलब है कि नवंबर माह में भौतिक सत्यापन किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं करवाने वाले कुछ लोगों की पेंशन रुक गई थी। जागरूक ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ लगातार मिलना चाहिए, इसके चलते समय रहते भौतिक सत्यापन करवाना आवश्यक है। बड़ी लापरवाही है, लोग जीवित हैं और उनको मृत घोषित कर दिया गया है और अब उनको बड़ी परेशानी आ रही है। तो मेरा प्रशासन से आग्रह है कि जो लोग जीवित हैं उनको तुरंत प्रभाव से, मतलब जो जीवित हैं और मृत घोषित कर दिया है उनको वापस सत्यापन करवाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो ऐसी कोई व्यवस्था करें कि जो लोग जीवित हैं उनका बिना किसी अड़चन के उनको जीवित मान लिया जाए और रिकॉर्ड से उनका जो मृत उसको माना गया उसको हटा दिया जाए। उमरैंड पंचायत समिति के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में मंगलवार को शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम का आकलन किया गया। गत दिनों अनेक गतिविधियां आयोजित हुई थी, इनकी समीक्षा को लेकर हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में ब्लॉक के समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधान मौजूद रहे। इसके अलावा शाला दर्पण एवं ऐप के जरिए रिपोर्ट एवं परिणाम का विश्लेषण किया गया। वहीं आगामी कार्य योजना पर चर्चा हुई। यहां मौजूद शिक्षा विभाग के अधिकारी कमलेश गुरु ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के ऐसे टू मूल्यांकन के क्रम में एक VC का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय निदेशक महोदय द्वारा और हमारे शिक्षा सचिव महोदय द्वारा ऐसे टू रिजल्ट लॉन्च किया जाएगा और साथ ही आगामी परीक्षाओं के क्रम में अनुदेश निर्देश प्रदान किए जाएंगे। पुलिस प्रशासन एवं लॉयंस क्लब द्वारा राजगढ़ कस्बे के टहला बाईपास चौराहे पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। क्लब के अध्यक्ष खेम सिंह आर्य ने बताया कि इसका शुभारंभ पुलिस उपाधीक्षक उदय सिंह मीणा ने किया। वहीं यातायात के नियमों का पालन करने वाले चालकों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पंपलेट वितरण के अलावा 150 से अधिक वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए गए। थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। लॉयंस क्लब के सहयोग से राजगढ़ पुलिस ने एक ये अभियान चलाया, जिसमें आम नागरिक को यातायात नियमों की पालना करने, हेलमेट लगाने, चार पहिया वाहन
चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए काफ़ी अवेयर किया है, उनको जागरूक किया गया है, क्योंकि आए दिन बहुत से एक्सीडेंट में मौतें हो रही हैं। उनसे कुछ ऐसी घटनाओं से निजात पाने के लिए लॉयंस क्लब के सहयोग से और यहाँ टैला चौराहे पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिन व्हीकलों के पीछे रिफ्लेक्टर लगे हुए नहीं हैं उन पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, जिन लोगों ने हेलमेट लगा रखे हैं, यातायात नियमों की पालना कर रखी थी उनको गुलाब का फूल देकर उनको सम्मानित किया गया, जिन्होंने यातायात नियमों की पालना नहीं की उनको सफ़ेद फूल देकर के और उनको समझाइश की गई है, आइंदा इस बारे में जागरूक रहने के लिए उनको समझाइश की गई है। लॉयंस क्लब राजगढ़ एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आज टहला बाईपास चौराहे पर सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 2000 पैम्पलेट्स का वितरण किया गया और 150 लोगों को जो है रिफ्लेक्टर लगाए गए छोटे बड़े वाहनों को, और ये बहुत शानदार कार्यक्रम रहा और इसमें जो है अपार उत्साह देखने को मिला, और हम चाहते हैं कि लॉयंस क्लब की ओर से इस प्रकार के कार्यक्रम पुलिस प्रशासन के सहयोग से समय समय पर आयोजित होता रहे, ताकि ये जो दुर्घटनाएं आए दिन हो रही हैं उनसे जो है निजात मिल सके, उनमें कमी आ सके। और अब चलते हैं खैरतल तिजारत जिले की खबरों की तरफ। खैरतल में नगर परिषद ने एक अभियान के तहत कई दुकानदारों के यहाँ पॉलिथीन जब्त की है, साथ ही जुर्माना भी वसूला गया है। अभियान में प्रभारी सुबह सिंह यादव और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे, वहीं नगर परिषद के दल को देख बाजारों में खलबली मच गई। खैरतल कृषि उपज मंडी के सभागार में खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने व्यापारियों की बैठक ली। गोयल ने बताया कि मंगलवार को हुई बैठक में खाद्य सुरक्षा के बारे में जानकारियां दी गई, वहीं साफ सफाई का ख्याल रखने और बेहतर क्वालिटी का सामान ही बेचने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं इस मौके पर व्यापार समिति अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता, पवन अग्रवाल, गोपाल सिंह, प्रमिल जसोरिया, नरेश कुमार और आयुष गोयल आदि उपस्थित रहे। तिजारा क्षेत्र के हिंगवा हेड़ा स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रधानाचार्य रतनलाल सुथार ने बताया कि कक्षा 6 की सभी 80 सीटों पर और 7वीं एवं 8वीं की संभावित रिक्त सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 से 11 मार्च तक जमा होंगे, जबकि चयनित आवेदकों की सूची 18 मार्च को जारी की जाएगी। साथ ही 1 अप्रैल से नव प्रवेशित विद्यार्थियों की कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। गौरतलब है कि इस सरकारी मॉडल स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की तरह सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तिजारा में नए थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा का स्वागत किया गया। उन्हें मेहर भोज सम्राट पार्टी के जिला अध्यक्ष शीश राम गुर्जर एवं सेवखेड़ा जिला युवा अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने गुलदस्ता भेंट किया। वहीं SHO शर्मा ने कहा कि कानून की पालना कराना उनका मुख्य उद्देश्य है, इसके अलावा अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास बनाना प्राथमिकता रहेगी। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बुधवार दोपहर 1:30 बजे होटल स्वरूप विलास में कार्यकर्ता संवाद किया जाएगा। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि इस संवाद कार्यक्रम में अलवर के 11 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेसजन शामिल होंगे। वहीं AICC महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, सह प्रभारी अमृता धवन, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल होंगे। साथ ही AICC समन्वयक धर्मेंद्र राठौर एवं जिला संगठन प्रभारी जसवंत गुर्जर सहित जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रहेगी। देखिए, कल जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की तरफ से जनसंवाद कार्यक्रम है, कार्यकर्ता जनसंवाद कार्यक्रम, जिसमें हमारे नेता AICC के महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, असम केर मध्य प्रदेश के प्रभारी, CWC सदस्य सम्मानित गौर जितेंद्र सिंह जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सम्मानीय सुखचिंदर सिंह रणदावा जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से AICC की तरफ से हमारे राजस्थान की सह प्रभारी और अलवर की प्रभारी श्रीमती अमृता धवन जी, नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य टीकाराम जूली जी, हमारे विधायक सम्मान्य जुबेर खान जी, सम्मान्य दीपचंद खैरिया जी, सम्मान्य ललित यादव जी, सम्मान्य दीपचंद खैरिया जी, सम्मान्य कांति मीणा जी, सम्मान्य ML मीणा जी, सारे विधायक और पूर्व मंत्री सम्मान्य शकुंतला रावत जी, इमरान खान जी, अजय अग्रवाल जी, संजना जाटव जी, हमारे प्रत्याशी सारे भाई संजय यादव जी, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और AICC के पदाधिकारी और सदस्यगण,
जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी सदस्यगण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और सदस्यगण, मंडल कांग्रेस कमेटी के मंडल अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी और सदस्यगण, इसके अलावा जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर जी, उप जिला प्रमुख, प्रधान साहिबान, उप प्रधान साहिबान, पूर्व प्रधान साहिबान, कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, जिला पार्षद, नगर पार्षद, पंचायत समिति सदस्य और कांग्रेस विचारधारा के सरपंच साहिबान और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु इस सम्मेलन में बूथ अध्यक्षों सहित मौजूद रहेंगे और सभी नेता आपस में संवाद करेंगे किस तरीके से अलवर की लोकसभा सीट को हम जीत पाए, उस तरीके से आगे रणनीति तय करेंगे और कांग्रेस पार्टी जिस भी व्यक्ति को हमारा सम्मान्य लोकसभा का प्रत्याशी बना करके भेजेगी तो हम लोग सब प्रत्याशी की तरफ नहीं देखे, हाथ के निशान की तरफ देख करके उसको विजयी बनाएंगे और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जिता करके भेजेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय के बाहर की गई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने जहां आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, वहीं इस मामले में एक नई बात सामने आई है। अलवर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी रहे एवं पूर्व विधायक जयराम जाटव की फेसबुक आईडी बताती है कि वे एक आरोपी के खुदनपुरी स्थित रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने गए थे। 22 दिसंबर को जयराम जाटव ने इस आरोपी के रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया था, इसकी फोटो भी मौजूद है। यह आरोपी नेता प्रतिपक्ष के मोती डूंगरी स्थित कार्यालय के गेट तोड़ने वाले चार युवकों में शामिल है। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी नशे में थे। वहीं जूली ने प्रकरण की गहन जांच की मांग उठाई है। अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय पर हमले हुए मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। जो आरोपी है वीरू खुदनपुरी, वो जयराम जाटव का कोई जानकार निकला है। हमारी जब टीम ने इस बात का पूरा सर्वे किया तो यह पता लगा कि जयराम जाटव ने 2 माह पूर्व वीरू खुदनपुरी के रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया था। अब देखने का विषय यह है कि इस पूरे मामले में राजनीति कितना तूल पकड़ती है, क्योंकि एक आरोपी का रेस्टोरेंट का उद्घाटन एक पूर्व विधायक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस मामले में राजनीति है। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अलवर से मैं दीक्षित कुमार, एयरटेल न्यूज। अलवर में स्वामी दयानंद मार्ग स्थित आर्य कन्या विद्यालय में मंगलवार को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आर्य कन्या विद्यालय समिति द्वारा संचालित संस्थानों में से श्रेष्ठ शिक्षिका का चयन कर 3100 रुपए की राशि प्रदान करने के साथ ही शॉल उड़ाया गया। इस वर्ष का पुरस्कार आर्य पब्लिक स्कूल हसन खां मेवाती नगर की प्रधान अध्यापिका रुचि खंडेलवाल को प्रदान किया गया। शारदा देवी छोटू सिंह आर्य चैरिटेबल ट्रस्ट एवं वेद वाचस्पति चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर ने यह कदम उठाया। हर साल छोटू सिंह आर्य एवं शारदा देवी आर्य की पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम होता है। वहीं समिति प्रधान जगदीश प्रसाद गुप्ता ने इनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला, जबकि निदेशक कमला शर्मा ने मंच संचालन करते हुए आयोजन की जानकारी दी। सम्मान समारोह की समापन शांति पाठ के साथ हुआ। वहीं समिति के मंत्री प्रदीप कुमार आर्य ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। आईसीयू में भर्ती महिला के साथ हैवान बने नर्सिंग कर्मी ने किया रेप। टैलको चौराहे के पास हरीश हॉस्पिटल की है घटना। परिजनों की एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। मां के समक्ष मरने की मंशा जताने के बाद टेलर ने फंदा लगाकर दी जान। कर्ज नहीं चुकाने से तंग था खैपुरा निवासी मृतक। अलवर के हृदय स्थल होप सर्कस का समाज कंटकों ने बिगाड़ा स्वास्थ्य। रोजाना करते हैं मदिरापान। वहीं ऐतिहासिक इमारत पर अधूरे हैं विकास कार्य। और अतिक्रमण की भेंट चढ़ी जैसमंद बांध से जुड़ी नहरें, उपेक्षा बरत रहा है सिंचाई विभाग। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ETL
टीवी, भरोसा अलवर का।